दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मेरी लद्दाख बाइक ट्रिप की जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की कुछ यादें शेयर करूंगा। साथ ही इस वीडियो के आखिरी में मैं सारे कश्मीरी भाइयों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों आज का मेरा टारगेट था जम्मू से श्रीनगर और इसकी दूरी लगभग 292-295 किलोमीटर के लगभग। और आज जितेंद्र मेरे साथ में था, काफी अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग आ रही थी। और इतने दिन तक अकेले बाइक राइड करने के बाद में कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और खासकर मेरे बेस्ट फ्रेंड की कंपनी सोने पे सुहागा। इसके बाद प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं था दोस्तों, क्योंकि जितेंद्र मेरे साथ में था और उसका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सुबह 6:30 बजे हम लोग जम्मू से निकल गए श्रीनगर के लिए, और क्योंकि मेरे पास में मेरा सैडल बैग था, काफी लगेज था, तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट जो सामान था, जो जरूरी सामान थे, वो निकाल के एक छोटे बैग में डाले और जो बड़े बैग थे उसको टैक्सी से श्रीनगर तक हम लोग भेज दिए और हम लोग श्रीनगर में अपना सामान रिसीव कर लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग जम्मू से निकले श्रीनगर के लिए, सुबह सुबह का समय था, बहुत ही अच्छा नजारा था, पहाड़ियां थी, वादियां थी, ग्रीनरी थी, घुमावदार सड़कें थी, बहुत मजा आ रहा था गाड़ी चलाने में। साथ में जितेंद्र भी था मेरे साथ, तो हम लोग आपस में बातें करते जा रहे थे, मस्ती करते जा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। और साथ ही एक बात जो मैंने गौर की, चप्पे चप्पे पे आर्मी थी और उनको देख के बड़ा सेफ फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम लोग बड़ा आराम से रुकते रुकते राइड एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रास्ते में आगरा और दिल्ली के दो बाइकर्स से हमारी मुलाकात हुई और हम लोग आगे पीछे ही श्रीनगर तक उनके साथ में पहुंचे। आराम से लगभग 6-7 बजे तक हम लोग श्रीनगर पहुंच गए थे। श्रीनगर पहुंचने के बाद फिर हम लोग लॉज ढूंढने लगे, कोई सस्ता लॉज। जो बाइकर जो हमारे साथ में थे उनको एक लॉज पसंद आ गया, 1000 रुपये का था, और क्योंकि हम लोग को कम बजट में आगे चलाना था तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, हम लोग आगे और कोई 2-4 लॉज पता करके आते हैं। टैक्सी स्टैंड से हम लोग को सामान भी लेना था, टैक्सी स्टैंड से सामान वामान लेके फिर मैं वहीं टैक्सी स्टैंड पर ही बैठा था। और जितेंद्र निकला, आधे घंटे बाद आता है, चल रूम मिल गया। और जाके क्या मैं देखता हूँ, मात्र 500 रुपये का रूम था और इतना शानदार रूम था, कालीन वगैरह लगा हुआ था, ठंडा गर्म पानी, अटैच लेट बाथ, बहुत ही बढ़िया। मेरे को आश्चर्य हुआ, अरे वाह यार जितेंद्र, यहाँ पे तो 1000 रुपये थे, नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा और 500 रुपये में तुमने रूम ढूंढ लिया। इसके आगे जो मनाली तक की जर्नी थी, जितना भी रूम का मैनेजमेंट था, फूड का मैनेजमेंट था, सब कुछ जितेंद्र देख रहा था। हम लोग श्रीनगर पहुंच गए। अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, सुबह हम लोग उठे, हम लोग नाश्ता करने के लिए निकले। डल लेक के सामने में कुछ कैफेटेरियाज थे, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि अब कहाँ नाश्ता करें। एक बढ़िया अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखता है, कैफेटेरिया दिखता है, और वो इनवाइट करता है, आइए भैया नाश्ता कर लीजिए। और मैं सोचा कि अब बाइक कहाँ खड़ी करूँ, सामने पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। वो बोलता है कि भैया आप गाड़ी अंदर ही ले आओ गाड़ी। मैं खुश हो गया, अरे वाह यार, जिस टेबल पे हम लोग को नाश्ता करना था उसके सामने ही मैंने मेरी गाड़ी खड़ी कर दी। और उसके बाद बंदा मीनू लेके आता है और मीनू हम लोग देखते हैं इतना महंगा। जितेंद्र क्या बोलता है, यार यहाँ पे नाश्ता नहीं करते हैं, कहीं और चलते हैं। मैं बोला यार ऐसे कैसे, आप बैठ गए हैं, इंसल्ट हो जाएगी यार। वो बोला यार इतना महंगा है यार, यहाँ पे नहीं खाएंगे, कहीं और चल के खाते हैं। वो बोला कि कहीं से ब्रेड का एक पैकेट ले लेंगे और 1 लीटर दूध ले लेंगे और जाके लॉज में ही दूध गर्म करवा के बढ़िया ब्रेड और दूध का नाश्ता करेंगे यार। मैं बोला बोल तो तू ठीक रहा है यार, लेकिन यहाँ पे इंसल्ट हो जाएगी, यहाँ पे गाड़ी भी अंदर खड़ी कर दिया हूँ मैं। वो बोलता है कुछ नहीं होता यार, चल चलते हैं। उसके बाद क्या करता है, गाड़ी धीरे से हम लोग बाहर निकाले और बोलते हैं कि भैया हम लोग आ रहे हैं, और फिर वहां से निकल लिया हम लोग। और क्या, मैं जितेंद्र के बारे में ये बोलूंगा कि अगर आप कोई ट्रिप 50,000 रुपये में करते हो तो उसी ट्रिप को वो 20,000 रुपये में करके दिखा देगा। वहां डल लेक में जब हम लोग घूम रहे थे तो बहुत सारे बाइकर्स दिखे, पूरे इंडिया के कोने कोने से आए हुए थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे, बड़ी महंगी महंगी सुपर बाइक्स भी देखने को मिली। पूरा लेह लद्दाख बाइक ट्रिप का एक माहौल था वहां पे, एक बाइकर दूसरे बाइकर की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, सबको थम्स अप दिखा रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल था। डल लेक के बारे में क्या कहूं, बहुत खूबसूरत है, एक बार आपको जाना चाहिए डल लेक देखने के। इस दिन हम लोग को श्रीनगर में स्टे करना था दोस्तों, बाइक की सर्विसिंग करानी थी, क्योंकि घर से निकले हुए लगभग 2500-3000 किलोमीटर समथिंग हो चुके थे और सर्विसिंग करानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि नेक्स्ट जो सर्विस स्टेशन मिलना था सीधे मनाली में मिलता मुझे। तो आज का जो प्लान था, बाइक की सर्विसिंग करानी थी और उसके बाद शाम को सोनमर्ग घूम के आना था। बाइक सर्विस के बारे में बाद में बताऊंगा,
पहले सोनमर्ग के बारे में बताया जाता हूँ। हम दोनों दोस्त गए सोनमर्ग और इस समय जीतन बाइक चला रहा था, क्योंकि हम मैंने ये हमारी ये बात हुई थी कि जो लोकल घूमना होगा वो जीतन चलाएगा, और मेन जो हाईवे में चलाना है गाड़ी वो मैं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे लेह लद्दाख ट्रिप का रिकॉर्ड बनाना था। पूरा लेह लद्दाख मैं खुद गाड़ी चला के घूम के आया, ये मेरे को रिकॉर्ड बनाना था। इसीलिए मैं बोला कि लोकल जितना भी गाड़ी चलाना होगा तू चलाएगा और हाईवेज में मैं चलाऊंगा। शाम के 2:30 बजे लगभग हम लोग गुलमर्ग के लिए निकले, और गुलमर्ग जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे टेम्परेचर भी डाउन होते जा रहा था। बहुत अच्छी सीनरी थी, ग्रीनरी थी, नए नए पेड़ देखने को मिल रहे थे। जिस तरह के पेड़ इधर हमारे जहाँ मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ एरिया कहीं देखने को नहीं मिलता, उस तरह के पेड़ वगैरह पौधे वगैरह देखने को मिल रहे थे। और क्या बताऊँ, उधर श्रीनगर साइड का जो घर बनाने का भी जो तरीका है, जो उधर जिस तरह के घर वगैरह भी थे, सब कुछ अलग नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल जन्नत है कश्मीर, अगर कहें जन्नत है तो बिल्कुल। किसी ने कहा है कि कश्मीर जन्नत है, और उसने सच कहा है। एक बार आपको जरूर जाना चाहिए कश्मीर। गुलमर्ग में दोस्तों हम लोग को जो हिंडोला होता है, जो केबल कार होती है, उसमें जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन हम लोग को पहुंचते हुए काफी लेट हो गया था। हम लोग को टिकट नहीं मिल पाई, तो हम लोग हिंडोला में नहीं जा पाए, जो लिफ्ट कार होती है उसमें। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए श्रीनगर। मैंने मोटरसाइकिल सर्विस वाला पार्ट इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हुआ था वहां पे, कुछ काफी कुछ बताने के लिए है मेरे पास आपके लिए। दोस्तों मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी हुई थी कि श्रीनगर में एक सुजुकी का सर्विस सेंटर है, अल्फा सुजुकी करके। शोरूम पहुंचने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, लेह लद्दाख की यात्रा पे हूँ, मेरी बाइक की सर्विसिंग करानी है। और उनको जब ये पता चला कि सुजुकी जिक्सर बाइक में आप लेह लद्दाख की यात्रा कर रहे हो, इतनी दूर से आ रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। वहाँ पे जो मैकेनिक थे करमवीर, उन्होंने मेरी बाइक की बहुत ही अच्छी सर्विस करी। अगर करमवीर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो सर्विस करी उसके बाद मेरी बाइक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से लेह लद्दाख का ट्रिप हो गया मेरा। धन्यवाद आपका। और सर्विसिंग करने के बाद वहाँ के जो ऑनर थे सुहेल जी, वो आते हैं, उनको पता चलता है कि हम लोग लेह लद्दाख की यात्रा पे हैं सुजुकी जिक्सर में, वो बड़े खुश हुए, वो आए। और सुहेल जी ने जो लेबर चार्ज था मेरी बाइक सर्विसिंग का वो फ्री कर दिया कि आप लेह लद्दाख की यात्रा पे हो, इतनी दूर से आए हो, आपको कोई लेबर चार्ज नहीं लगेगा। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भी दिया। सुहेल जी, सुबह शाम जब भी मैं चाय पीता हूँ तब मैं आपको याद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई भी लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप में जा रहे हैं, और अगर आपके पास सुजुकी की कोई बाइक है, तो जरूर अल्फा सुजुकी श्रीनगर में जाकर अपनी बाइक की सर्विसिंग कराएं। शोरूम के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को। पूरे कश्मीर में हम लोगों को इतना प्यार मिला, इतना अच्छा लगा, और कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है। और कश्मीर जन्नत इसलिए है क्योंकि वहां आप जैसे लोग रहते हैं। कश्मीर में मैं जितने लोगों से भी मिला, सभी बहुत ही शानदार और जिंदा दिल इंसान है। सुहेल जी और मेरे सभी कश्मीरी भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जो कुछ भी कश्मीर में अभी चल रहा है, जो कुछ भी तनावपूर्ण हालात हैं, हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सब कुछ जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, और आप लोगों की जो दिनचर्या है वो बिल्कुल सामान्य हो जाए, और आप सभी सुख शांति से चैन से अपनी ज़िंदगी जिए। हम सबकी दुआ है आप लोगों के साथ। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मेरी श्रीनगर से कारगिल लेह तक की यात्रा की कुछ यादें शेयर करूंगा, और साथ ही अगले वीडियो में बताऊंगा कि जीतेन ने क्या डिसाइड किया। उसने ये सोचा था कि मैं श्रीनगर कारगिल जोजिला पास देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आगे लेह लद्दाख की यात्रा करनी है कि नहीं। तो आगे क्या होता है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप जो कुछ भी मुझसे बोलना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।